जितनी गाली देना है नीतीश बाबू देते रहिए। ये मुरेटा इसलिए मैं बना हूँ कि नीतीश कुमार जी आपको सत्ता से बाहर करना है। यहाँ तक जातीय जनगणना जातीय सर्वे का मामला है, जातीय सर्वे में नीतीश कुमार जी का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। जनवरी को मैंने कहा था कि हमारा काम पूरा हो गया और जो हमने मुरेठा बांधा था भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करूंगा। पगड़ी बांधी गई थी और पगड़ी के खोलने की तिथि थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की सियासत से अलग थलग न कर दिया जाए। उन्हें सीएम की कुर्सी से जब तक हटा नहीं दिया जाता वो अब तक ये पगड़ी खुलने वाली नहीं है। दरअसल पगड़ी के बारे में आप जानते हैं, बिहार के डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने यह प्रण लिया था कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे उस वक्त तक पगड़ी नहीं बांधेंगे। जब पिछली बार आरजेडी के साथ यानी जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाने का फैसला लिया, बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया, उसके बाद सर पर पगड़ी बांध लिया सम्राट चौधरी ने और बांधते हुए ये कहा कि नीतीश कुमार को बिहार से जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी से जब तक उन्हें हटा नहीं देंगे उस वक्त तक ये पगड़ी नहीं बांधेंगे। कई बार मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया लेकिन अब वक्त आ गया है, पगड़ी को एक तरह से त्याग देने का मामला आ गया है और वो अयोध्या रवाना हो गए हैं। भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे, मुंडन होगा और पगड़ी को वहीं फेंक दिया जाएगा। सियासत में इस तरह की पगड़ी बहुत कम देखी जाती होगी, किसी सरकार को हटाने के लिए मुरेठा आपने बांधा हो लेकिन अब वक्त की नज़ाकत को समझते हुए नीतीश कुमार को अपना नेता गठबंधन का नेता मानने की मजबूरी ने उनकी जो सियासत में कसम खाई गई चीज थी उसको एक तरह से समझिए कि बड़ा नीचे ला दिया है। तो अकलमंदी यही थी, यहां पगड़ी खोलते तो ज्यादा शिकायत होती, ज्यादा लोग हंसी मजाक उड़ाते, इसलिए भगवान का सहारा लिया, अयोध्या का सहारा लिया और सम्राट चौधरी अयोध्या रवाना हो गए हैं और इसी काम के लिए गए हैं कि पहले पगड़ी खोलेंगे उसके बाद सर मुंडवाएंगे और सब कुछ वहीं त्याग बलिदान दे करके फिर पटना लौटेंगे और कहेंगे कि नीतीश जी हमसे गलती हुई थी, इतनी गर्मी में भी हमने फेंटा बांध बांध के आपको क्या क्या नहीं कहा, लेकिन हमारे नेता का कहना है कि नीतीश ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे इसलिए हम भी अपना सर झुकाते हैं और इस सर पर जो पगड़ी है जो बाल है वो आपके कदमों में तो नहीं भगवान श्री राम के कदमों में डालते हैं, गलती हो गई थी, इस गलती का खामियाजा यही है कि भगवान के सामने गए, माफी मांगी, नीतीश का जाप होगा और नीतीश को फिर से नेता मानने के लिए सम्राट चौधरी तैयार हो गए हैं।